हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर पॉलिनॉमियल्स के बारे में पढ़ेंगे। हमने इस चैप्टर को फोर पार्ट्स में डिवाइड करा है। पार्ट वन इज अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनॉमियल्स एंड टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स। पार्ट टू इज अबाउट जीरो फॉर पॉलिनॉमियल एंड उसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है। पार्ट थ्री इज अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनॉमियल। एंड लास्टली हम पढ़ेंगे डिविजन एल्गोरिथम के बारे में। चलिए पार्ट वन स्टार्ट करें। पार्ट वन टॉक्स अबाउट पॉलिनोमियल। नाउ पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल इज बेसिकली अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच कंसिस्ट ऑफ कोएफिशिएंट्स, कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। अब ये जो कोएफिशिएंट, कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स होते हैं, ये आपस में अटैच होते हैं विद मैथमेटिकल ऑपरेटर्स लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, डिविजन इज नॉट इन्वॉल्व ओवर हियर। सेकेंडली, जो पावर ऑफ वेरिएबल होता है, दैट इज ऑलवेज एन इंटीजर। दैट्स ऑलवेज एन इंटीजर एंड इट इज एंड जो पावर है दैट इज नॉन नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहां बात करें एक्स रेज टू पावर प्लस 2x-3, यहां पे जो पावर ऑफ एक्स है दैट इज पॉजिटिव इंटीजर। यहां पे एक्स प्लस 5, अगेन पावर ऑफ एक्स इज 1, hence it is which is a positive integer, therefore it is a polynomial. Then 7x, power of x is 1, again a positive integer, thus it becomes an example of polynomial. अगर हम यहां देखें x की जो x is in under root, which means the power of x is 1/2, which we can't take as a polynomial. हमने यहां पे लिखा है कि जो पावर ऑफ वेरिएबल है, जो एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल होएगा, वो हमेशा इंटीजर होगा एंड 1/2 इज नॉट एन इंटीजर। देयरफॉर एक्स प्लस 1/x/(1/x)^2 प्लस 2 कैन नॉट बी अ पॉलिनोमियल। अगेन, जो हमने यहाँ पे लिया था 1/x+4, द सेकेंड एग्जाम्पल, यहाँ पे एक्स इज इन डिनोमिनेटर एंड वी क्लियरली सेड दैट वी ओनली यूज ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। हेंस अगेन दिस कैन नॉट बी एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल। आइए अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में। पॉलिनोमियल्स कैन बी क्लासिफाइड इन टू टू कैटेगरीज। वन इज ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड सेकेंड इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। आइए देखें कि हम डिग्री के बेसिस पे इनको इसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी एक्चुअली कम अप टू दैट व्हाट इज अ डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। नाउ डिग्री इज बेसिकली द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो हम इसके बेसिस पे डिफाइन कर सकते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। नाउ अ लीनियर पॉलिनोमियल इज अ पॉलिनोमियल विद अ वेरिएबल हैविंग हाईएस्ट पावर एज 1। इसका मतलब द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1। फॉर एग्जाम्पल 2x+3, 5x, यहां पे x की जो पावर है इन दोनों में दैट इज 1। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द सेकेंड काइंड ऑफ पॉलिनोमियल, इट सेज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब ये है कि जो इसकी डिग्री होगी वो होगी 2। अगेन x इज टू पावर 2 प्लस 3x+2। नाउ यहां पे हम ये भी कह सकते हैं कि 2x² + 3 इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जहां पर एक्स की जो पावर है 2 है, लेकिन हमारे पास एक्स की कोई और टर्म नहीं है। नाउ अगेन व्हेन वी मूव ऑन वी कम टू क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल को क्या होते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होते हैं जिनके जो हाइएस्ट पावर होती है वेरिएबल की वो होती है 3। एग्जाम्पल एक्स इज टू पावर 3, 3x² + 3x+1। I can also say 3x³+2। अगर यहां देखें x जो वेरिएबल है वो कोई और पावर के साथ नहीं है और जो हमारे नंबर ऑफ टर्म्स है वो 2 है। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म डू नॉट मैटर, वी ओनली सी द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। हेंस वी हैव क्लासिफाइड दिस पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब हम एक और टाइप की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं विच इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। नाउ फर्स्ट काइंड ऑफ पॉलिनोमियल ओवर हियर इज अ मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब होता है जिसकी नंबर ऑफ टर्म्स हो 1। फॉर एग्जाम्पल 3, 5x-y² x, आई कैन ऑल्सो से z
क्यूब। यहां पे पॉलिनोमियल की डिग्री से हमें हमें कोई मतलब नहीं है, हम देखते हैं नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट बाइनोमियल, अ बाइनोमियल इज अ पॉलिनोमियल हैविंग टू टर्म्स, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स, आई कैन ऑल्सो से माइनस वाई क्यूब प्लस टू वाई। यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स इज टू, दो द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज थ्री। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट अ ट्राइनोमियल, अ ट्राइनोमियल इज अ पॉलिनोमियल विथ थ्री टर्म्स, अगेन x रेज टू पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x इज वन ऑफ द एग्जांपल। हम डिफाइन कर सकते हैं y क्यूब प्लस 2y प्लस 3। कोई भी पॉलिनोमियल जहां पे नंबर ऑफ टर्म्स 3 बन जाए वो होता है एक ट्राइनोमियल। नाउ वी हैव डिवाइडेड एंड क्लासिफाइड पॉलिनोमियल्स बाय इन टू बेसिस। नाउ दिस कंप्लीट्स आवर फर्स्ट पार्ट व्हिच इज अबाउट इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। आगे हम पढ़ेंगे कि जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है और उसको ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं।